हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, क्या सिंगल एंट्री मोड में भी एंट्री पास कर सकते हैं कैश रिसीविंग की कंपनी में? जी दोस्तों, ऐसा हो सकता है और ऐसा ही होता था पहले। तो अभी हम बात करेंगे सिंगल एंट्री मोड में एंट्री पास करने की। अभी तक हम डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में रिसिप्ट वाउचर में एंट्री पास करते रहे। ये देखिए, हम सिंगल एंट्री मोड में आ चुके हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि सिंगल एंट्री मोड कैसे एक्टिवेट करना है, तो आपको केवल कंट्रोल के साथ एच बटन प्रेस करना है इस तरीके से, और यहां से आप डबल एंट्री मोड में चले जाएंगे तो ये डेबिट क्रेडिट आने लगेगा या टू बाई के फॉर्म में आ जाएगा ये, ठीक है। और अगर आप इसको सिंगल एंट्री मोड बना लेंगे, लाइक देखिए यहां से फिर मैं कंट्रोल के साथ एच प्रेस करता हूं और ये सिंगल एंट्री मोड बना देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। तो अभी आपको एंट्री ऐसे ही पास करनी है, तो इसमें क्या किसको हम कैसे क्या करेंगे वो बता देता हूं। तो ये देखिए, यहां पर आ जाएगा सप्लायर का इनवॉइस नंबर और ये वो डेट है जिस डेट पर हम पैसा रिसीव करेंगे कंपनी में, ठीक है। तो यहां पर आ गए। अब देखिए यहां पर करना क्या है, यहां पर अकाउंट दिख रहा है आपको और इस अकाउंट में जब भी आएगा तो कैश आएगा, तो ये कैश कर लेंगे हम, ठीक है। कैश क्यों आ रहा है? क्योंकि कैश हम कंपनी में रिसीव करा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अगर आप बैंक खाते में रिसीव करा रहे हैं कंपनी के, तो वहां बैंक खाता आ जाएगा कंपनी का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं, यहां पर आएगा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम पैसा कंपनी में रिसीव करा रहे हैं और कंपनी में रिसीव होने वाले पैसे को कहते हैं कैपिटल। तो ये कैपिटल अकाउंट का लेजर पहले से बनाया था मैंने, तो ये कर दिया हमने, एंटर प्रेस किया। अब यहां पर नरेशन डाल सकते हैं, 9000 रुपीज कंपनी, ठीक है। अब इसको एक्सेप्ट करा लेता हूं। तो ये एंट्री इस तरह से भी आप पास कर सकते हैं। आई होप कि ये बात आपके समझ में आ रही होगी कि ये एंट्री मैंने किस तरह से पास किया है, ठीक है।